तो वो मंत्रिमंडल का सामूहिक जिम्मेवारी से होता है. सो इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट. सो इन अदर वर्ड्स, इफ अ डिसीजन वॉज टेकन, डॉक्टर अब्दुल्ला हु वॉज दैट टाइम अ कैबिनेट मिनिस्टर वुड हैव बीन पार्टी टू इट, प्रीवी टू इट, बट देयर वॉज नो वॉइस ऑफ डिसेंट ऑन रिकॉर्ड. दूसरी बात ये कि अगर आप उस जमाने के अखबारों को निकालें, क्योंकि अभी तो मुझे 5 मिनट पहले ही कहा गया, बट आई विविडली रिकॉल मैनी ऑफ द न्यूज पेपर्स हैड रिपोर्टेड दैट दी देन यूपीए गवर्नमेंट लेड बाई प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैड टेकन दी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्फिडेंस वेल इन एडवांस. एंड आई थिंक सम ऑफ योर न्यूज चैनल्स ऑल्सो हैड रिपोर्टेड लाइक दैट, एंड यू कैन रिकॉल दैट. एंड अपॉन दैट, इवन if you are in a position to deny that, or if you find it convenient not to accept that, then the other question would be, why was the voice of protest not raised by the chief minister at that point in time? So you can't allow them to hunt with hounds and run with hare. To us zamane mein kyunki satta ke bhogidar the, to satta mein baithe rehne ke liye us samay kuch kehne ki avashyakta nahi thi. और अब ये लगा कि शायद तुष्टीकरण की नीति से जिस प्रकार पहले वो वोट बटोरते रहे, शायद उससे उसको लाभ प्राप्त हो. तो कश्मीर के अवाम को इस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन जैसे मैंने परसों भी श्रीनगर में कहा कि अब वो ज़माना जाता रहा, 3 पीढ़ियां और 3 दशक हमारे कश्मीरी युवाओं के कुर्बान हुए हैं इस आतंक की भेंट. और आज जम्मू संभाग में जिस प्रकार से ये कहा जाने लगा है कि हम वापस 370 को बहाल करेंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत के लिए जो 70 वर्ष तक संघर्ष किया और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का ये हमारा एक सफल यात्रा रही, क्या हम उससे पीछे हट सकते हैं? क्या हमें ये कभी स्वीकार होगा कि हमारी बेटियाँ अगर अपनी पसंद से विवाह प्रदेश से बाहर करती हैं तो उन्हें माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, या फिर जो शरणार्थी भाई 70 वर्ष तक नागरिक अधिकारों से वंचित रहे उन्हें फिर उसी परिस्थिति में डाल दिया जाए? और 21वीं शताब्दी में जबकि भारत एक भौगोलिक भूमिका निभाने की कतार पर खड़ा है, तो क्या ये सब संभव है? और मुझे विश्वास है कि 70% से अधिक हमारा वोटर युवा वोटर है, 40 वर्ष से कम आयु का, और वो तर्क के साथ सोचता है और तर्क के साथ निर्णय लेता है. और इसलिए हम न केवल खंडन करते हैं बल्कि वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में भी चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि 10-12 बरस गुजरने के बाद एक नई पीढ़ी आ गई है, वो अपने आप को परिचित करें और हम भी उनको सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट से आगाह करें. देर वॉज अ यूपीए गवर्नमेंट इन प्लेस इन न्यू दिल्ली, अ यूपीए गवर्नमेंट इन द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर बिलोंग टू द यूपीए एंड द फादर वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर एट द सेंटर एंड बोथ वर प्रीवी टू द डिसीजन. But they found it convenient not to protest, if at all they had to protest, because that would have cost them the loaves and fishes of office. Once they are not there, and they then chose to remain silent for 1 long decade, only when they were faced with the heat of election in the Kashmir Valley, they have chosen to do so. And we are here, the nationalist people of Jammu, where we are sitting right now, they are ready to get the record straight by giving a befitting response at the ballot paper. Thank you. Any questions from you? I would request if one by one on the subject. अगर कोई अलगाववादी मुख्य धारा में आकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है तो क्या उसे इस लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करना है? और वो कहते हैं बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी, 12 बरस के बाद शेख अब्दुल्ला भी तो इसी तरह से आए थे जेल खाने से निकल करके और सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे. वी कांट हैव 2 yardsticks. लोकसभा को भी हराने के लिए जेल से एक आदमी को निकाल कर कंटेस्ट करवाया गया, उसकी स्पीच रिकॉर्ड करके लोगों को सुनवाई गई,
अब ये आई थिंक व्हेन समबडी स्पीक्स लाइक दैट इट इज स्पोकन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन वन इज कॉन्फिडेंट ऑफ इन द इलेक्शन फ्रे वन डजंट रिजॉर्ट टू ऑल दिस इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सी चुनाव अभियान में उनके कमी है भारतीय जनता पार्टी को किसी और प्रॉक्सी को खड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है हम स्वयं अपने में ही सक्षम हैं ये अभी मैंने कुछ क्षण पहले इसी बात का उत्तर दिया ये तुष्टीकरण की राजनीति जो उनको कई सालों तक लाभ पहुंचाती रही शायद उनको लगता कि अभी बट दिस इज मेट विद द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और जैसे मैंने कल कहा था सम ऑफ आर पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन द वोटर हैज मूव्ड ऑन एंड सो ऑल्सो हैज द मीडिया सो दिस इज एन एज ऑफ रियल टाइम रिपोर्टिंग रियल टाइम चेक सो दिस डजंट वर्क एनी मोर और जब ये चुनाव का नतीजा आएगा तो शायद इनको वो भी समझ आ जाएगी कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने कल श्रीनगर में भी कहा कि जब वो श्रीनगर जाते हैं तो वो 370 को हटाने के पक्ष में है जब वो जम्मू आते हैं तो 370 को रखने के पक्ष में है और जब वो दिल्ली जाते हैं तो ना हटाने के पक्ष में ना रखने के पक्ष में तो उसी संदर्भ में मैंने कल श्रीनगर में ये कहा था कि तीन बयान लेकर के चलते थे एक जमाने 60-70 के दशक में ये बड़ी कहावत मशहूर थी बट अभी क्या हो रहा है कि वो दैट इज नॉट वर्किंग अभी भी इनको लगता है कि शायद तुष्टीकरण के चलते उस तरह का इनको लाभ प्राप्त होगा या उस तरह के परिणाम मिलेंगे लेकिन ऐसा होने नहीं वाला वोटर जागरूक हो चुका है और अब द की वोटर टुडे इज द यूथ वोटर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का एजेंडा रखा है स्टार्टअप का एजेंडा रखा है और करके दिखाया है जैसे मैंने कहा तर्क तथ्य और तुलना का युग है 2014 में हम 350 स्टार्टअप थे आज बढ़ करके हम 1.5-2 लाख तक पहुंच गए आज हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर माने जाते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 नंबर पर थे आज 40 नंबर पर हैं हमें 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में कहा जाता था यूपीए सरकार के दौरान 2014 में और दुनिया इंतजार कर रही थी कि तब चरमराज आएगी हमारी इकॉनमी आज हम 5 में फ्रॉम फ्रजाइल 5 वी आर 5 वेरी सून विल बी 3 और कोविड में जब छोटी छोटी 1-1 करोड़ या 10-10 मिलियन जनसंख्या वाले यूरोपियन देश नहीं अपने आप को संभाल पाए हिंदुस्तान ने रोल मॉडल पेश किया तो एक प्रमाणित और प्रमाण आधार एक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का और इसीलिए जम्मू कश्मीर का युवा और कश्मीर घाटी का भी युवा क्योंकि यहाँ का युवा बड़ा आकांक्षी है एस्पिरेशनल है ही डजंट वॉन्ट टू मिस द बस He wants to be part of the journey led by Prime Minister Modi. He wants to avail of all the opportunities, avenues being unleashed. और ये बातें जो शायद पहले कहीं ना कहीं वोट डिविडेंड देती होंगी अब काम नहीं करती और इसीलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दोनों संभागों में बढ़ता जा रहा है No, I think he has to ask for himself. Why should he be contesting from 2 seats? And what is the inference drawn by the media persons? जब भी कोई अपनी constituency बदलता है, पिछली बार से, हमने भी 3 बार लड़ा election, तो हमने आग्रह पूर्वक कहा कि वहीं से खड़े होंगे. So if you have to prove your democratic credentials, you have to stick on to the constituency. If you change the constituency, it means you are on a weak wicket. And if you have more than one, weaker still. But I'm not speaking for him. It is for him to introspect and for you guys to draw an inference. Sir, how do you see this thing? We saw in Bhatla House, Sonia Gandhi was shedding tears for the terrorist kid. And then we saw Mehbooba Mufti speaking for Burhan Wani said, had she been knowing that Burhan Wani was inside, she would not have allowed the encounter to take place. And now all of a sudden, Umar Abdullah speaking for Afzal Guru, that he would not allow his execution because it led to nothing. So how do you see this kind of a combination Between all the three political No, parties. I think you have, very right. I think you have yourself answered the question that you would, because there is a pattern behind it. There is a pattern of appeasement of a certain section of society.
which is not only violative of the nationalistic ethos of this nation, which also doesn't augur well for a nation which is moving towards the world better itself, and which is looking at itself, looking for itself a global role in the times to come, by the time we reach 2047. So I think this appeasement is something, and on the contrary, Prime Minister Modi has tried to cultivate and introduce a new kind of a culture rising above appeasement. Look at any of his welfare schemes. If it's a Pradhan Mantri Awas Yojana, the list is prepared by the collector, and a pakka house is provided regardless of who the house is, Hindu or a Muslim, regardless of the caste or creed. And this is a section of polity which has thrived on this, and they still wish to cling to that at the cost of the erosion that they in the process tend to cause to the democratic fabric of this nation, to the secular fabric of this nation. So they swear by secularism and still are the greatest abusers of secularism. They swear by the constitution and are still the greatest abusers of the constitution. And while sitting in Jammu, may I say, they swear by Article 370 and have been the biggest abusers of 370, because in the garb of 370, they facilitated the dynasty rule generation after generation. The simplest example, as was also reported by you, was that when the term of the assembly was increased to 6 years and then sought back within 3 months in 1977, 3 years, they very conveniently adopted the first law. But when they had to revert back, they took the LAB of 370. And this assembly, this time, for the first time, after so many years, we are going to have a 5-year term assembly after this election. And this anomaly was also undone after the abrogation of Article 370 of Prime Minister. So I think they have actually tried to bluff the people and also misuse the constitution provisions for their political vested interests rather than for people's welfare. You think Rahul Gandhi needs to break silence on this thing, what Umar Abdullah said? Because they can't simply shrug off their shoulders, because they were the one who were at the helm of affairs at the time. No, they have, see that, I think this is more than proven, and the channels like you have been reporting so evidently day in and day out. They have a selective voice. So the articulation begins only selectively on certain situations, even for the same subject. I think the simplest example these days is what you are confronting, your channel is reporting day in and day out, is the Calcutta case. So Rahul Gandhi and his party are still silent on what has happened with that young medico girl over there. But for a smaller case, of a smaller measure, and a smaller proportion, a smaller magnitude, they would immediately start visiting the houses and do all sorts of photo ops. So this duplicity also doesn't work anymore now. No, regardless of that, I think it's more than evident, and the world has accepted that. Thank you very much for your being here. Bahut bahut dhanyavaad.